इस वीडियो में हम नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड, ISDN फॉर्म रिले और सेल रिले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नैरो बैंड के बारे में। तो नैरो बैंड ISDN वाज एन अटेम्प्ट टू रिप्लेस द एनालॉग टेलीफोन सिस्टम विद अ डिजिटल वन। तो नैरो बैंड ISDN एनालॉग टेलीफोन सिस्टम को डिजिटल के साथ रिप्लेस करने का एक प्रयास था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस बहुत बड़ा लॉन्ग था और इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के संबंध में एक बार स्टैंडर्ड पर सहमति हो जाने के बाद यह अप्रचलित था। यह जनरली स्विचिंग की बेसिक यूनिट के रूप में 64 kbps चैनल का उपयोग करता है। नैरोबैंड ISDN वाज अटेम्प्ट टू रिप्लेस द एनालॉग टेलीफोन सिस्टम विद अ डिजिटल वन। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस वाज टू लॉन्ग एंड रिगार्डिंग टू द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन द एरिया, वंस द स्टैंडर्ड वाज फाइनली एग्रीड, इट वाज एब्सोल्यूट। इट जनरली यूजेस 64 kbps चैनल एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्विचिंग। नेक्स्ट, ब्रॉडबैंड ISDN। In the 1980s, the telecommunication industry expected that digital services would follow much the same pattern as voice services did on the public switch telephone network, and conceived an end-to-end circuit switch service known as broadband integrated service digital network. So, 1980 mein telecommunication industry ne expect ki thi, ummeed ki thi कि डिजिटल सर्विस उसी पैटर्न को फॉलो करेगी जैसा कि पब्लिक स्विच किया था टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पर वॉइस सर्विस ने किया था पब्लिक में टेलीफोन नेटवर्क पर वॉइस सर्विस किया था जैसा उसी पैटर्न में फॉलो करेगा और ब्रॉडबैंड इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के रूप में जानी जाने वाली सर्किट स्विच सर्विस को समाप्त करने की कल्पना की थी। तो यही था ब्रॉडबैंड ISDN। अब देखेंगे फॉर्म रिले के बारे में। तो फॉर्म रिले यह एक स्टैंडर्डाइज वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो पैकेट स्विचिंग मेथोडोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन चैनल की फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर को स्पेसिफाइज निर्दिष्ट करती है। इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेट स्पेसिफाई द फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर ऑफ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन चैनल यूजिंग अ पैकेट स्विचिंग मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट, सेल रिले। It refers to a method of statistically multiplexing small fixed length packets called cell to transport data between computer or kinds of network equipment. तो यह एक standardized cell relay जो था यह computer या network उपकरणों के लिए के प्रकार के बीच data transport के लिए cell नामक small fixed length के packet को स्टैटिकली सांख्यिकी रूप से इक्विपमेंट बहुत संकेतन करने की एक विधि को दर्शाता है। इट इज़ एन अनरिलेबल कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेज स्विच डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यह जो होता है एक अनरिलेबल अविश्वसनीय कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेज स्विच डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यूनिट 10 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो।